निर्णय लेना एक क्षमता है जो आप में आनी चाहिए। ये जो निर्णय लेने की क्षमता मनुष्य को मिली है ना, ये बहुत ही सुंदर चीज है, जो जानवरों के पास नहीं है, जो पौधों के पेड़ों के पास नहीं, किसी भी जीव के पास ये क्षमता नहीं है। ये ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को दी है। मनुष्य को जो एक फैसले लेने की, जो खुद के लिए फैसले लेने की जो अनुमति मिली है, अपने परिवार में अपने रिश्तों में जो फैसले लेने के लिए उसको एक स्वतंत्रता मिली है, उसका ही उसको नुकसान हो रहा है, बड़ा भारी नुकसान। साधु संत बोल रहे हैं कि मेरी कामना है कि आप जो भी फैसले लेते हैं ना, वो आपकी पसंद की या नापसंद के बारे में मत ले, और जो चीज आपके लिए सही में मायने रखती है, कारगर साबित होती है, वही फैसले ले। अगर मैं आज गलत रास्ते पे हूं तो मेरे निर्णय की वजह से है, और मैं सही रास्ते पे हूं तो मेरे निर्णय की वजह से है। आप जो कुछ भी है, जहां भी हो, जैसे भी हो, वो आपके निर्णय से हो। और जब हम इस जिम्मेदारी को उठाते हैं ना, तब सही मायने में हम फैसला लेने के लिए लायक बन जाते। आपके फैसले आपके जीवन को सुंदर बनाने वाले होने चाहिए। अगर आपका जीवन सुंदर हो रहा है तो आपके आसपास का जीवन भी सुंदर होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ आपका हो रहा है तो कोई गलत फहमी हो रही है। जब जीवन सुंदर बनता है ना, तो सबका बनता है आपके पास। आपका अकेले का जीवन कभी सुंदर नहीं बन सकता। अगर बन रहा है तो आप किसी भ्रम में हो। छोटी से छोटी चीज से लेकर ये अगला कदम कहां डाले, यहां से लेकर जीवन का बड़ा सा बड़ा फैसला हम इमोशनल होकर लेते, भावना के आवेश में आकर लेते, बल्कि हमें वो फैसला बुद्धि की कसौटी पर और अपनी अंतरात्मा की आवाज की कसौटी पर लेना चाहिए। जब आप शांत होते हो, प्रसन्न होते हो, तभी फैसला करना चाहिए। कहते हैं जब आप क्रोध में हो, जब आप बहुत यातनाओं में, दुख में हो, या बहुत आनंद में हो, दोनों ही अवस्था में आपको फैसले नहीं लेना। जीवन में आप कभी भी पसंद और नापसंद के पीछे जाकर कभी भी फैसले मत लेना। फैसला लेना है तो कभी भी आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए क्या मायने रखता है, वो क्या कारगर सिद्ध होगा आगे चलकर, इसके बारे में पूरी तरह शांत होकर निर्णय लें। इसलिए जीवन के निर्णय आपको कभी भी भावनाओं के आवेश में आकर नहीं लेना। अगर आपके फैसले आपको गलत लग भी रहे तो उससे आपको सीख प्राप्त होगी, और आपके फैसले अगर कारगर साबित हो गए तो उससे आपको आनंद मिलेगा। जो अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं उठाते, जो मेहनत के लिए, ज्ञान के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहते, वही लोग ऐसे फैसले ले लेते। कभी कभी ऐसा आता है कि दोहरी अवस्था हो जाती है, ये फैसला लूँ या ये फैसला लूँ, ऐसे वक्त एक ही काम करना है, बस शांत हो जाना है और फैसला प्रकृति पर छोड़ देना है। प्रकृति अपने आप आपको ऐसे लक्षण दिखाएंगी जो फैसला आपको लेना है। अगर आप ऐसा जीना सीख ली तो आपके जीवन के फैसले कभी गलत साबित नहीं होंगे, और आप जब भी फैसले लेंगे उससे आपका जीवन और सुंदर और मजबूत होगा। हम जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं, नाबालिग बच्चे, उनको हम कभी निर्णय लेने की अनुमति नहीं देते। ऐसा क्यों है कि हम उन्हें नाबालिग कहते हैं? बालिग का मतलब जो अभी अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम हुआ, और नाबालिग का मतलब जो अपने निर्णय खुद नहीं ले सकता। क्या सच में ऐसा है कि वो अपने निर्णय नहीं ले सकता? तो नहीं, वो तो अपने निर्णय ले सकता है, लेकिन उसके निर्णय उसके लिए कारगर साबित होगी कि नहीं, ये उसे कोई पता नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मेरे लिए कौन सा निर्णय अच्छा है और कौन सा गलत है, ये वो सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई अनुभव ही नहीं। इसलिए तो बच्चों पर हमेशा ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी उनका निर्णय उनकी ही जान ले लेता है। तो निर्णय लेना एक क्षमता है जो आप में आनी चाहिए। आपको पता है सबको कि जब कोई गुनाह करता है तो उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है, उसको अपने बारे में कोई भी डिसीजन लेने का, फैसला लेने का उसे कोई अवसर नहीं मिलता, उसकी अनुमति नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो निर्णय लेता है वो उसके लिए और समाज के लिए घातक होते, इसलिए उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती। पुराने जमाने में गुरु जो होते थे वो शिष्यों को कुछ विद्याएं सिखाते थे। हम सब अच्छी तरह से जो उदाहरण जानते हैं वो एकलव्य और द्रोणाचार्य जी का।
एकलव्य ने छिप छिप के धनुर्विद्या सीखी आश्रम के बाहर से, तो उसने विद्या की चोरी की। लेकिन विद्या का एक नियम है, जब तक आप आपके गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं देते, उनके आशीर्वाद नहीं लेते, तब तक वो विद्या फलित नहीं होती। गुरु के आशीर्वाद लेने का अवसर आ गया, अभी विद्या तो पूरी सीख गए लेकिन संभव नहीं था। एक बार ऐसा हुआ, एक जंगल में एक कुत्ता बड़ी जोर जोर से घूम रहा था, तो परीक्षा ली गई कि इस कुत्ते की जो आवाज़ है वो बंद करनी है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना। तो सभी ने प्रयास किया लेकिन प्रयास असफल रहे। एकलव्य को ये पता चला तो उसने तीर चला के उसका मुंह बंद कर दिया। उसने इस तरह तीर चलाए कि उसके अंदर कोई जख्म नहीं हुआ मुंह में, लेकिन मुंह बंद हो गया। तो द्रोणाचार्य जी को अचरज लगा, उन्होंने पूछा ये कौन सा धनुर्धर है जिसने ये इतना कर्तव्य दिखाया। जब उसे बुलाया गया तो पता चला इसने चोरी से पूरी धनुर्विद्या सीख ली। तो गुरु ने समझा, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु दक्षिणा में उन्होंने एकलव्य का तीर चलाने वाला अंगूठा ही मांग लिया। कहते उसने अंगूठा दे दिया। उसके बाद भी तीर चलाता था, वो धनुर्धर रहा, वो महाभारत का युद्ध भी लड़ा, लेकिन उसकी जो सबसे विशेष ताकत थी वो छीन ली। क्यों? क्योंकि इस विद्या का वो गलत इस्तेमाल कर सकता था, उस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं। दूसरा उदाहरण, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का है। एक बार विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस ने समाधि लगा दी। विवेकानंद समाधि में चले गए, तो विवेकानंद इस मूर्ति पूजा को अच्छा नहीं मानते थे, गलत मानते थे। तो वहाँ पे एक काली नाम का सेवक था जो रामकृष्ण परमहंस की सेवा करता था, तो नदी से कुछ पत्थर लेके आए, शालिग्राम कहते उसे, और उन पत्थरों को उसने पूजना शुरू कर दी। और विवेकानंद को यह पसंद नहीं था। जैसे ही उनको ध्यान लगा, समाधि लगी, उनका आज्ञा चक्र जागृत हुआ, तो उन्होंने ध्यान ही ध्यान में उस काली को आदेश दिया, हे काली उठाए पत्थर और फेंक दे नदी पर। न मालूम काली उठ गया, सब पत्थर इकट्ठे किए, कपड़े में डाले, चल दिया नदी पर। जब रामकृष्ण परमहंस को अंदर ही अंदर ये बात पता चली, उन्होंने तुरंत उसकी समाधि खींच ली और उसे समाधि से बाहर लाया। तुरंत काली भ्रम से जाग गया और उसे पता चला, अरे मैं क्या कर रहा हूं, उसे होश आ गया, और अपने होश में वो वापिस अपने देवी देवताएं लेकर मंदिर आ गया। दोस्तों, ये जो निर्णय लेने की क्षमता मनुष्य को मिली है ना, ये बहुत ही सुंदर चीज है, जो जानवरों के पास नहीं है, जो पौधों के पेड़ों के पास नहीं, किसी भी जीव के पास ये क्षमता नहीं है, ये ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को दी है। प्रकृति समझती है कि ईश्वर इसके मनुष्य इसके काबिल है, लेकिन आज जितनी भी स्वतंत्रता मिल रही है ना, उसका स्वैराचार हो रहा है, बेकाबू हो गए लोग। आपको पता है जब लोग बेकाबू हो जाते हैं ना, तो कानून उसे पकड़ के जेल में डाल देता है, कारावास में। अगर पागल हो जाता है तो पागलखाने में डाल देते हैं।
तो आज मनुष्य को जो एक फैसले लेने की, जो खुद के लिए फैसले लेने की जो अनुमति मिली है, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में जो फैसले लेने के लिए उसको एक स्वतंत्रता मिली है, उसका ही उसको नुकसान हो रहा है, बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। आज लोग बड़े बेतुके हो गए, अनुशासन नहीं है कोई। खुद के ऊपर जब खुद शासन कर सकता है ना, तभी उसे अनुशासन कहते हैं। तो हमारा हमारे ऊपर शासन है ही नहीं। जिस शरीर और मन में हम जीवन जीते हैं, उसी के ऊपर हमारा शासन नहीं है। वो जो चाहे वो करवा लेता है हमसे। इस जबान को जो अच्छा लगता है वही खाते, जो जरूरी है वो नहीं खाते। जो पसंद है जवान को, वो जबान मांग लेती और हम खा लेते। जिन विचारों में, जिन मनोअवस्था में हम रहना चाहते हैं, वही विचारों में हम पड़ते रहते और उसी का चयन हम करते हैं। हमारे दिमाग में वही विचार हम जाने देते जो हमें पसंद है, चाहे वो आपके लिए अच्छे हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं आपको। इसलिए तो जो जीवन है ना, वो पूरा गड़बड़ हो गए, क्लैरिटी कम हो गई जीवन की। तो यही कारण है सद्गुरु आज कामना कर रहे, संत कामना कर रहे। साधु संत बोल रहे हैं कि मेरी कामना है कि आप जो भी फैसले लेते हैं ना, वो आपकी पसंद की या नापसंद के बारे में मत ले। जो चीज़ आपके लिए सही में मायने रखती है, कारगर साबित होती है, वही फैसले ले। अगर आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या चीज़ कारगर है, तो आप जिसे श्रेष्ठ मानते हैं उनसे सलाह करें, अध्ययन करें और फिर फैसले ले। हम जो करियर के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में हो, रिश्तों के बारे में हो, या जीवन का जो उद्देश्य है वो निश्चित करने के बारे में हो, हम जो फैसले लेते हैं वो फैसले हमारे विरुद्ध ही काम करते हैं। आपको पता है जब आप 10वीं में थे, तब आपको मन में, किसी को मन में आया होगा पुलिस हो, चलो कुछ खेती करें, किसी को मन में आया होगा कुछ बिजनेस करें, किसी को मन में आया होगा चलो आर्ट में चले जाएं। कोई बोल रहा होगा मन में, नहीं चलो यहाँ पे अभी कॉमर्स में जाए। जो जो डिसीजन तब मन में आ रहे थे, लेकिन उनमें से जो डिसीजन आपने अभी लिया है, यहाँ आने के पहले भी आपको, आपके बारे में आपको सभी मौके सामने थे कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकते थे, आप बिजनेस डाल सकते थे, या आप घर पर रह के खेती भी कर सकते। लेकिन आज आपको महसूस हो रहा है कि मैंने मेरे पसंद के डिसीजन लेने से मुझे क्या जरूरी है, वो डिसीजन मैंने लिए, वो फैसला मैंने लिया, इसलिए मैं आज सही रास्ते पे हूँ। अगर मैं आज गलत रास्ते पे हूँ तो मेरे निर्णय की वजह से है, और मैं सही रास्ते पे हूँ तो मेरे निर्णय की वजह से है। तो आज जो भी, जो कुछ भी है आप जो कुछ भी हैं, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, वो आपके निर्णय से हो। और जब हम इस जिम्मेदारी को उठाते हैं ना, तब सही मायने में हम फैसला लेने के लिए लायक बन जाते, नहीं तो नालायक हो जाते, लायक नहीं रहते। खुद ही खुद के जीवन का नाश करते हैं। आपको पता है आपके कोई दोस्त हैं जिन्होंने गलत फैसले लिए, आज वो क्या कर रहे हैं, आज उनके क्या हालत है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी पसंद के पीछे भागे। शरीर और मन की पसंद जो होती है ना, वो सिर्फ भोग और कामना की होती है, बस भगवान की कुछ नहीं होती। मन हमेशा दौड़ना चाहता है और शरीर हमेशा भोगना चाहता है, बस। आपके फैसले आपके जीवन को सुंदर बनाने वाले होने चाहिए। अगर आपका जीवन सुंदर हो रहा है
तो आपके आसपास का जीवन भी सुंदर होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ आपका हो रहा है तो कोई गलत फहमी हो रही है आपको। जब जीवन सुंदर बनता है ना तो सबका बनता है आपके पास में। आपका अकेले का जीवन कभी सुंदर नहीं बन सकता। अगर बन रहा है तो आप किसी भ्रम में हो, शायद आप अंधे हो गए हो, चाह के अंधे। जो आपको पसंद चीजें है वही आपको नजर आ रही है, जो पसंद की नहीं है वो आपको नजर ही नहीं आ रही। और अक्सर ऐसा होता है, जो हमें पसंद होता है वही दिखता है हमें और वही अच्छा साबित होता है हमारे सामने, लेकिन वाकई वो जीवन में कभी कारगर हुआ है ये हम कभी देखते नहीं। छोटी से छोटी चीज से लेकर ये अगला कदम कहाँ डाले, यहाँ से लेकर जीवन का बड़ा सा बड़ा फैसला हम इमोशनल होकर लेते, भावना के आवेश में आकर लेते, बल्कि हमें वो फैसला बुद्धि की कसौटी पर और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ की कसौटी पर लेना चाहिए। आपके अंदर से कौन सी आवाज़ आ रही है? जब आप शांत होते हो, प्रसन्न होते हो, तभी फैसला करना चाहिए। कहते हैं जब आप क्रोध में हो, जब आप बहुत यातनाओं में दुख में हो या आप बहुत आनंद में हो, दोनों ही अवस्था में आपको फैसले नहीं लेना चाहिए। आप बहुत खुशी हो, खुशी में हो, तो आप सिर्फ उसका जो अच्छी साइड है, पॉजिटिव एंगल है, उसी को देख रहे हैं। जब आप किसी चीज़ की नेगेटिव बाजू को देखते हैं तभी आप गलत फैसला करोगे, और अच्छी बाजू देख रहे तभी भी फैसला गलत कर सकते हैं। तो दोनों आयाम जो है, दोनों आयाम अधूरे हैं। आपको दोनों समझ में आना चाहिए। जब आप दोनों को देख पाएंगे तभी आप सही फैसला ले पाएंगे। सिर्फ आप उसकी अच्छाइयाँ देखेंगे तो आप पसंद करोगे, आप उसकी बुराइयाँ देखोगे तो आप नापसंद करोगे। दोनों भी फैसले गलत हैं, क्योंकि आज जो नापसंद चीज़ें है वही कल जाकर आपकी पसंदीदा हो सकती है। जिन्होंने भी शादी की है उनको ज़रा पूछना कि वो अपने कॉलेज के ज़माने में जिसे चाहते थे और उससे शादी करने के लिए मरते थे, बाद में उनको 10-15 साल बाद पता चलता है नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ उसके साथ शादी नहीं हुई। हाँ, वो तो भाग गई किसी और के साथ शादी करके वापस, जिसके साथ प्रेम किया उसके साथ भी नहीं रही। होता है ना ऐसा, होता है। या कभी कभी सिर चढ़ी हो जाती, सिर पे चढ़ जाती है, घर बार से तोड़ देती है, तो पता चलता है ये दोनों के लिए लागू होता है। कोई लड़की है वो सोचती मुझे उस लड़के इसके साथ शादी करनी थी, बाद में पता चलता है वो गुंडा मवाली है, उसे बड़ी गलत आदतें हैं, शराबी, चोरी करता है, झूठ बोलता है, उसका सिर्फ अच्छाइयाँ उसको मालूम थी। तो जीवन में आप कभी भी पसंद और नापसंद के पीछे जाकर कभी भी फैसले मत लेना। फैसला लेना है तो कभी भी आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए क्या मायने रखता है, वो क्या कारगर सिद्ध होगा आगे चलकर, इसके बारे में पूरी तरह शांत होकर निर्णय ले। इसलिए जीवन के निर्णय आपको कभी भी भावनाओं के आवेश में आकर नहीं लेना चाहिए। शांति से और बिल्कुल ही थर्ड एंगल से लेना चाहिए। ना अच्छाइयाँ ढूंढो ना बुराइयाँ ढूंढो, जैसा है वैसा देखो। अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो गए तो हमारे फैसले कभी गलत साबित नहीं होंगे। कहते हैं अगर आपके फैसले आपको गलत लग भी रहे तो उससे आपको सीख प्राप्त होगी, और आपके फैसले अगर कारगर साबित हो गए तो उससे आपको आनंद मिलेगा। बस इतनी सी बात है।
तो जीवन अगर आपको सुंदर बनाना है तो फैसले लेते वक्त, छोटे से छोटा फैसला या बड़े से बड़ा फैसला लेते वक्त आप आपकी बुद्धि की कसौटी पर उसको जांचो, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, सबकी सुनो, निर्णय खुद दो, हटीम ना बनो कि मैं यही फैसला लूँगा, मुझे यही लेना है। पहले से तय करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा और अक्सर बिगड़ जाता है। लोग खुद के लिए खुद ही गड्ढा खोदते हैं और उसी में गिर जाते हैं, फिर अपने नसीब को कोसते हैं। नसीब को कोसने वाले कौन? यही तो होते हैं जो अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं उठाते, जो मेहनत के लिए, ज्ञान के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहते, वही लोग ऐसे फैसले ले लेते। अगर आप फैसले नहीं ले सकते तो प्रकृति पे छोड़ दीजिए, वही आपको मार्गदर्शन करेगी। कभी कभी ऐसा आता है कि दोहरी अवस्था हो जाती है, ये फैसला लूँ या ये फैसला लूँ, ऐसे वक्त एक ही काम करना है, बस शांत हो जाना है और फैसला प्रकृति पर छोड़ देना है। प्रकृति अपने आप आपको ऐसे लक्षण दिखाएंगी जो फैसला आपको लेना है। अगर आप ऐसा जीना सीख ली तो आपके जीवन के फैसले कभी गलत साबित नहीं होंगे और आप जब भी फैसले लेंगे उससे आपका जीवन और सुंदर और मजबूत होगा।